भाइयों, मैं आज आपको GIEMS ग्रेटर नोएडा एक हॉस्पिटल है जहाँ मैं एडमिट हुआ था एज ए कोविड पेशेंट, उसके साथ हुए बहुत अच्छे अनुभव से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। 14 अप्रैल 2021 को मैं एक बहुत ही सीरियस कोविड पेशेंट के रूप में इस हॉस्पिटल के काउंटर पे गया। हालांकि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी, RT-PCR रिपोर्ट मेरी नेगेटिव थी, फिर भी वहाँ डॉक्टर राहुल मिले काउंटर पे ही। उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत वैसे ठीक नहीं लग रही है और मैं आपका दोबारा से टेस्ट कराऊंगा। विद इन समझिए 15 मिनट के अंदर हमारा दोबारा टेस्ट हुआ जो कि पॉजिटिव आया और इमीडिएटली उन्होंने हमें हॉस्पिटल के अंदर, कोविड हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया। आपको आश्चर्य होगा कि इतना अच्छा हॉस्पिटल NCR और दिल्ली में कोई भी नहीं लगा। मैं तो बहुत हॉस्पिटल से जा चुका हूँ लेकिन एक सरकारी अस्पताल से इतनी ज़्यादा उम्मीद लेके तो मैं गया भी नहीं था। सारी प्रकार की अच्छी व्यवस्था वहाँ पे थी और साफ सफाई तो इतनी गजब की थी। जो इनका डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट है, वो भी बहुत ही अच्छा, और डॉक्टर्स की टीम जिन्होंने मुझे ट्रीट किया वो यंग डॉक्टर्स थे और उन्होंने इतना अच्छा ट्रीट किया। हर आप समझे कि मुझे कभी ये परेशानी महसूस ही नहीं हुई कि मैं अकेला हूँ वहाँ पे। सब लोग आते थे, बीच बीच में हाथ पूछते थे कि आपकी तबीयत कैसी है और अब आप थोड़े से बेटर हो रहे हैं, हमको हिम्मत भी दे रहे थे। हालांकि जो स्थितियाँ मैं सुन रहा था तो उससे मैं बहुत उम्मीद तो नहीं था बचने की और मेरी अपनी ताकत भी ऐसे थी नहीं, लेकिन उन डॉक्टर्स ने इतना ज़्यादा मुझे हिम्मत दी, मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ से ठीक ही होके जाऊँगा। और डॉक्टर नेहा और उनकी जो टीम थी, जिसमें मेरे ख्याल से डॉक्टर पूजा और एक कोई डॉक्टर समर्थ या ऐसे कुछ नाम था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, वो आते थे और वो पूरी हिम्मत देते थे, पूरी अच्छे से उन्होंने हमारी मैं कहता हूँ ट्रीटमेंट किया। और डॉक्टर राहुल बीच बीच में आते थे और वो सारी व्यवस्था देखते थे कि रूम की सर्विस कैसी है और पूछ के जाते थे आपका खाना कैसा है। मैं तो एक सामान्य सा पेशेंट था, ऐसा भी नहीं कि मैं कोई बहुत ही किसी VIP के जरिए आया हूँ, सामान्य सा पेशेंट था। आसानी से मेरा एडमिशन हुआ और मैं इतना खुश हुआ देख करके कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली के किसी भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल से टक्कर लेने के लिए तैयार है। उनकी टीम इतनी अच्छी थी, डॉक्टर नेहा जहाँ तक मुझे पता चला कि शायद वो भी कोविड पेशेंट हो गई थी, फिर भी उसके बाद भी वो आती थी और पूरी व्यवस्था कैसे भी फ़ोन पे या इधर उधर से चेक करके अपने कंट्रोल में ली हुई थी। तो मैं इन यंग डॉक्टर्स का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मेरा ये किया है, इलाज किया है। आज मैं घर पे हूँ। 26 तारीख मैं 13 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती था, 13वें दिन उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। तो हालांकि अब मैं पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट ले रहा हूँ अन्य यहाँ अपने फैमिली डॉक्टर से, लेकिन मैं इस बात को आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि जितना अच्छा ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ने GIEMS गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा में दिया है, मैं कहता हूँ कि भारत के किसी अच्छे से अच्छे अस्पताल में इतनी तो उम्मीद नहीं कर सकता। मैं इन डॉक्टर्स का हृदय से आभारी हूँ और चाहता हूँ कि ये बच्चे बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद।